नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर बना में सबका स्वागत है। सबकी पढ़ाई शानदारी चल रही होगी? हाँ, कुछ कैंडिडेट की पढ़ाई नहीं चल रही है। उनका जब आईपीएल फाइनल हो जाएगा ना, तब से पढ़ाई बढ़िया स्टार्ट होगी। एक जो बच्चे इस मंच पर पहली बार आए हैं, वो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में जाके पीछे की सभी वीडियो देख ले। जैसे आज चौथा चैप्टर वीडियो चल रहा है इनका एलसीएम एचसीएफ का, तो बेटर तब समझ में आएगा जब इनका बेसिक बहुत अच्छे से हो। जैसे कोई क्वेश्चन है उनका मैं एलसीएम बताऊंगा, तो मैं बता चुका हूं, तो यह इस वीडियो में मैं सीधा निकालूंगा। तो इस आप पीछे की वीडियो है वो सभी वीडियो आप अच्छे से देखो ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि दो संख्या है कोई भी, जैसे 20 है और 30 है, इनका जो एलसीएम है, जैसे एलसीएम तो आया 60 और एचसीएफ है वो इनका है 10। तो दो संख्याओं का लेस है उनके मैस से हमेशा विभाज्य होता है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो मैस से एचसीएफ से हमेशा विभाज्य, एचसीएफ है दो संख्याओं का लेस है उनके मैस से हमेशा विभाज्य है। जैसे 60 में 10 का भाग दे रहा है। एक कंडीशन और, इन पर भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मल सी बात लग रही है कि लेस है मैस से विभाज्य है। रिसेंट में दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं, जस्ट आगे कराने वाला हूं। दूसरी बात, दो संख्याओं का गुणा, जैसे 20 × 3 कितना हुआ 600, इनके लेस है इनटू मैस के बराबर होते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दो संख्याओं का गुणा उनके लेस है एवं मैस के बराबर होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। इन पर एक सीपीओ एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी लगाते हैं। देखो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है दो संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अब कई सीधा टिक लगाएंगे जिनको याद है, फिर भी जल्दबाजी में गलत करेंगे। लेस मैस का गुणनफल बराबर होता है, ध्यान दीजिए, गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। यहां क्या कर रखा है? प्लस, तो ये गलत है। दो प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ विभाज्य, ये बिल्कुल सत्य है। दो संख्याओं का एलसीएम है उनके एचसीएफ से विभाज्य, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का लेस है, कितनी भी संख्या हो जिनका लेस है यानी लघुतम समापवर्ती उनके मैस से हमेशा विभाज्य है, तो ये दो नंबर कथन है सत्य। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन पर भी, इस लाइन पर भी दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे बताने वाला हूं। ये दे रखा है, चलो ये क्यों गलत है? दो अभाज्य संख्या सहभाज्य है तो उनका एलसीएम एक हो कभी भी नहीं होगा। जैसे दो अभाज्य संख्या लेता हूं, दो अभाज्य है और ये सहभाज्य भी है, यानी इनका मैस एक है और वैसे अभाज्य भी है, इनका एलसीएम एक थोड़ी, इनका एलसीएम तो कितना आया देखो 35 है, तो ये लाइन भी गलत है। एक है दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मैस है, दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक है। दो संख्याओं का एलसीएफ दोनों संख्याओं में से सबसे छोटा भाजक है। छोटा भाजक नहीं, बड़ा भाजक होता है, छोटा भाजक नहीं होता, बड़ा होता, तो कितना नंबर सही आ जाएगा? दो नंबर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पिछले साल ही पूछा हुआ है प्री में, ये क्या दो संख्याओं का मैस है 12, एचसीएफ यानी मैस है वो 12, तो लेस नहीं होगा, तो मैस हमेशा लेस से विभाज्य है, मैस हमेशा, सॉरी लेस है, इनका जो लेस है एलसीएम हमेशा मैस से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है, इस बात का ध्यान रखोगे। यानी मैस 12 है तो लेस में भाग जाएगा 12 का, तो 72 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 84 में जा रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। आपका सही जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। एक बार फिर से रखता हूं, ऑप्शन 72 है, 60 है, यहां कुछ भी दे दे, जैसे 65 ले लेता हूं, 65 है। अब बताओ 12 का भाग 72 में जा रहा है, 60 में जा रहा है, 65 में नहीं जा रहा है, 84 में भी जा रहा है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा। सीधी सी बात है, मैस का लेस में अवश्य भागे जाएगा। इन पर पूछा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, यह बताओ क्या होगा, करो बताओ। निम्न में से कौन सा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता? यह भी रिसेंट में पूछा हुआ है, 18/7/2018
22 में पिछली साल ही एमटीएस में पूछा गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यदि ये बात आपको ध्यान है तो 2 सेकंड लगेगी पूरी, यानी मैसे का लैसे में अवश्य भाग जाएगा। 15 चौक 60 जा रहा है, 13 5 65 जा रहा है, 12 2 24 जा रहा है, ये आएगा भाई। 12 का भाग नहीं जा रहा है, तो आंसर नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उम्मीद है पूरा पूरा समझ में आया होगा। एक बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाई आपके लिए, रेगुलर क्लास आ रही है, पूरा सिलेबस मैं इस मंच पर कराने वाला हूं, आपको पैड कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। एक जिम्मेदारी देखो, लाइक बहुत कम है, जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं लाइक करो। एक सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा भाई, डेली वीडियो देख रहा है। एक तो सब भूल मत जाओ, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, है ना, रेगुलर, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आपके पास है आता रहे। जितने भी कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं टोटल के टोटल सब्सक्राइब करोगे भाई। अगला, वह न्यूनतम संख्या जिसे 72, 108, 144, 216 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचता है। अब इनका क्या करोगे, एलसीएम लो। यदि ये पूछे सबसे शुरुआत में वह न्यूनतम संख्या, जब इनका भाग दे तो शेष बचे, तो इनका लैसे लोगे, इनका क्या लोगे, लैसे। पीछे की वीडियो में लैसे निकालना बताया था बिना टेबल बनाए। देखो आपको 3 विधि बताई थी, एक तो पूरी भाग विधि बताई थी डिटेल से, एक जोगाड़ विधि, उनसे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, तीसरा गुणनखंड विधि। अब बताओ इनमें क्या क्या है, 2 की मैक्सिमम घात देखनी होती है, ठीक है। 2 की मैक्सिमम घात को 8, 9, 72, 8 × 9, तो मैक्सिमम घात 3 ही है यहां पर, 3 की घात 2। ये देखो 16 × 9, 144, यानी 2 की मैक्सिमम घात 4 है, यहां रही 2 की मैक्सिमम घात मिल गई, क्या है 4 है। 12, 9, 108, 12, 9, 108, देखो 4, 3, 12, 2 की मैक्सिमम घात 2 ही है, 4, 3, 12, देखो, और यहां 2 की घात 4 है। ये यहां मैक्सिमम 8 का भाग दोगे तो 8, 2, 16, 8, 7, 56, 27 × 8, तो मैक्सिमम घात 3 है यहां पर 2 की, यहां 2 की घात 4 है, यहां मैक्सिमम घात 2 की घात 2, देखो 4, 3, 12, तो मैक्सिमम घात 4 है। 3 की मैक्सिमम घात क्या, देखो ये रही 27, ठीक है। तो इनका लैसे कितना आ जाएगा, और इनके अलावा 2, 3 के अलावा कुछ है नहीं, तो 16 × 27 इनका मैसा आ जाएगा, लैसा आ जाएगा 2 की घात, ये आ जाएगा 16 × 27, ठीक है। 16, 7, 112, 16, 32 और 11, 43, इनका लैसा तो आ जाएगा 432। यदि ये आ जाए कि वह न्यूनतम संख्या क्या, तो जो इनसे विभाज्य है, तब तो लैसे लोगे 432, लेकिन इनका 13 शेष बचे तो 13 ऐड कर दोगे भाई। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा हो, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, हम ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है, एग्जाम में आए हुए सब क्वेश्चन करेंगे आप। एलसीएम पूरा पढ़ना, अब यदि क्वेश्चन लगाओगे आप तो आराम से लगेंगे इनके एलसीएम, एलसीएफ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा रहा हूं भाई। तो सबसे पहले लैसे निकालना। अब कयो को यहां थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि लैसे ये ऐसे कैसे बता दिया भाई, बड़े घात में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, वहां से आप जरूर देखना भाई, ठीक है। एक आप गुणनखंड बना के कर लेना भाग विधि, ये छोटा बच्चा भी जानता है, एक बार आप ऐसे निकाल लेना, है ना, ये छोटा बच्चा भी जानता है, इनसे हम आराम से एलसीएम निकाल लेंगे। एक आप ध्यान रखो, बड़ी से बड़ी घात लेंगे एलसीएम में, घात क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी। देखो इसमें 2 की सबसे बड़ी घात क्या, देखो ये रही 16, 944 है, अब तो 2 की घात 4, देखो 2 की घात 4, अब 2, जैसे इसमें भी देखो 8, 9, 72 है, 2 की घात 4 ले ली, फिर 2 की घात 3 ही लेंगे, एक बार ही लेंगे, वो बड़ी से बड़ी घात। जैसे इसमें 9 है, देखो 12, 9, 108 है, 72 में 8, 9, 72 है, लेकिन यहां सबसे बड़ी घात यहां मिल गई ना, देखो 27, 8, 216, 3 की मैक्सिमम घात क्या मिल गई, 3, तो एलसीएम 432 आ जाएगा, और 13 से बचे तो जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक फर्स्ट वीडियो को बार बार देखा करो, वहां मैंने एलसीएम और एलसीएम निकालने की 2-2, 3-3 मेथड समझाइए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद पूरा वीडियो देखोगे, एक अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हो भाई, है ना, सीधा वीडियो नहीं देखना है। आप एक्स्ट्रा 10 सेकंड की मेहनत कर लोगे ना, तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा भाई। हम फ्री कंटेंट लेके आए हैं, देखो स्टूडियो है, उन पर भी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, उनके लिए आपके लिए पीडीएफ बनाने के लिए ऑपरेटर आ रहा है, और भी लगे हुए हैं पूरी टीम, है ना। ऐसे वीडियो नहीं बनता, जो यूट्यूबर है उनको तो सबको ध्यान है, तो आपकी एक थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी भी थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए कि आप वीडियो को लाइक किया करो, एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये काम मत भूलो भाई, है ना, कहीं तो भूल भी जाते हैं,
कि सब्सक्राइब भी करना है क्या? चलो वीडियो देख ली, काम अपना नोट्स बना लिया है ना, तो याद तो दिलाता रहूंगा मैं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर एक शेष बचे, ठीक है, लेकिन 13 से पूर्णतः विभाज्य। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में आता है, ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन लेके आऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से नहीं होंगे, ऑप्शन से मान लो 80% क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ऑप्शन से नहीं होते, तो हम दोनों मेथड से करेंगे। बेसिक भी जरूरी है, सीधा ऑप्शन से मत करो। तो सबसे पहले तो इनका लय से बताओ, कौन बताया कॉमेंट बॉक्स में भर दो इनका लय से बताओ, ताकि मैं श्योर हो जाए कि आप एलसीएम निकालना तो सीख लिया है। अलग अलग संख्या की बड़ी घात लेंगे, देखो 5 की मैक्सिमम घात 1 है, 5, ठीक है, 2 की सबसे बड़ी घात 3 है, 8, 3 की सबसे बड़ी घात 2 है, 9। अब ये नहीं लेंगे, देखो 4, 3, 12, 2 की सबसे बड़ी घात 3 ही ले ली, 2 की घात 3 ही ले ली, ये तो 2 की घात 2 ही है, हमने 2 की घात क्या ले ली, 3 ले ली, 3 नहीं लेंगे, 3 की सबसे बड़ी घात ले ली 2, 9, 5 ले लिया। अब देखो 6 में क्या है, 3 गुणा 2, 3 और 2 की तो 1 घात है, हमने आपने मैक्सिमम ले ली। देखो अलग अलग संख्या सब लो, 3 की मैक्सिमम घात 9 ले ली, अब यहां पर भी 6 में भी 3 है, 3 गुणा 2, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम घात 1 ही है, यहां पर 5 ले लिया एक बार, 12 में 4 गुणा 3, देखो यहां ले लिया, 2 की मैक्सिमम घात ले ली, 3 की मैक्सिमम घात, यहां तो घात 2 की घात 2 ही है, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। इसी प्रकार कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। हाँ चलो बेसिक बता देता हूँ, कुछ बच्चों को एलसीएम नहीं निकालना तो फास्टली बता देता हूँ, 5, 6, 8, 9, 12। वैसे ये काम करना तो नहीं चाहिए, छोटी कक्षाओं का काम है, फिर भी बता देता हूँ आपको। 2 का भाग 2, 3, 4, 9, 6, फिर 2 का भाग 2, 5, 3, 2, 9, 3, फिर 2 का भाग गया, 5, 3, 1, 9, 3, फिर 3 का भाग 2, 5, 1, 1, 3, 1, फिर 3 का भाग 2, 5, 1, 1, 1, 1, फिर 5 का भाग 2, 5, 15, 15, 45, 90, 180, 360। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, 360 आ जाएगा। अब मैं मिटा रहा हूं भाई, बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया बहुत है ना। चलो सबसे पहले तो एलसीएम आ जाएगा 360, ठीक है, इनका लय से आ जाएगा 360 आ जाएगा। अब क्या करना है, प्रत्येक दिशा में ए शेष बचे। देखो इतना ही क्वेश्चन होता कि इनका भाग देने पर प्रत्येक शेष बचे, तब तो आंसर कितना आता, 360 आ जाएगा। कितना आता, 360, लेकिन 13 से विभाज्य है क्या, 13 से विभाज्य नहीं है, तो ये किस फॉर्म में होगी, पहले तो ये संख्या देखो, ये संख्या होगी 360 के प्लस 1, देखो इस फॉर्म में होगी। के का मान रख रख के देखोगे कि 13 का भाग जाना चाहिए, देखो एक रखा 360, एक 361, 13 से विभाज्य नहीं है। के की वैल्यू 2 रखता हूं मैं, देखो आइडिया लग जाएगा यहां पर कि ऑप्शन से कि 360 का डबल मत करो, के का मान 2 मत रखो, क्यों नहीं रखोगे, 2 से गुणा करोगे तो 720 के लगभग आएगा, ऑप्शन में नहीं है, 4 बार करोगे तो 3672, 1400 के करीब आएगा, ऑप्शन में नहीं है। नजदीक किस में जा रहा है, देखो इनके नजदीक जा रहा है, के का मान 10 रखने पर के बराबर क्या रखोगे, 10, ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा। देखो के का मान 2 रखते 360, 720, 1, 721 कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, के का मान 5 रखते 36 × 5 1800 होगा, 1800 के लगभग ऑप्शन नहीं है, एक बार 10 रख रहा हूं तो 360 × 10 + 1 36 01। अब 13 का भाग जा रहा है क्या, यह भी देखना पड़ेगा 13 का भाग जा रहा है क्या, 13 × 26 13 × 7 = 91 13 से भी विभाज्य है, ये 13 से भी विभाज्य है, तो यही आंसर आएगा, लेकिन इनको ऑप्शन से कर लेना। तो ये किन से विभाज्य है, 13 से, ठीक है। देखो 13 का भाग जाता है 26, 100, 13 × 7 = 91 13 × 7 = 91 यहां किसी में भाग देके देख लो, चलो ये लेता हूं सबसे छोटी संख्या, ये ली 13 कम 13, 3 से बचा 38, 13 × 26 = 12 और 121 भाग नहीं जाएगा, इसमें तो 13 का भाग वैसे भी नहीं जा रहा है, इसमें देखो 13 का भाग जा रहा है और इनका भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, 1 बचेगा। ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो ऑप्शन से नहीं आ रहे, तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो इनका एल से ले लोगे 360, तो 360 के प्लस 1 की संख्या इनसे विभाज्य है, 13 का भाग भी जाना चाहिए, तो के का मान रख के देखोगे 2 है,
तीन है, इसी प्रकार मान रख के देखोगे ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा कि किन के करीब जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो कि 15, 25, 35, 45 का भाग देने पर 7, 17, 27 और 37। ये एग्जामिनर का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इनसे बहुत ज्यादा लगाव रखता, बार बार में रिपीट करता रहता है। कैसे करेंगे अब ये बताओ, जितने भी संख्या है, अब चार संख्या, चार रिमाइंडर, आपने सोचा होगा शेषफल जोड़ते हैं, जब संख्याओं का भाग दे, किसी भी संख्या का भाग दे वहां शेषफल बचे तो लेस से लेके जोड़ेंगे, लेकिन वहां एक शेषफल, यहां शेषफल कितने हैं, एक दो तीन चार, अब 17 जोड़े 27 जोड़े दिक्कत हो जाएगी। तो जितनी संख्या उतने ही रिमाइंडर, देखो यहां पर चार संख्या है और चार ही शेष, तो डिफरेंस देखेंगे इनका, इनका डिफरेंस 8 का, इनका डिफरेंस 8 का, इनका डिफरेंस 8 का, बताओ सबका डिफरेंस कितने का है, 8 का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, इनका लेस लोगे, 15, 25, 35, 45 का लेस है, बताओ, ये कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए भाई, आंसर से भर जाना चाहिए, लेस बहुत बार बता चुका हूं, अभी मैंने एलसीएम का चौथे वीडियो चल रहा, तो अब तक 30-35 बार लेस निकालना बता चुका हूं, निकालो पहले इनका लेस बताओ मुझे। देखो 5 की सबसे बड़ी घात 2, 25, फिर 35 में 7 है, मैक्सिमम घात 1 है, 15 में 3, 9, 5, 45, तो ये 9 भी लोगे, क्यों लोगे बताओ, 9 कि 3 की मैक्सिमम घात 2 है, 5 × 3, देखो 5 की मैक्सिमम घात ले ली, 3 की भी मैक्सिमम घात ले ली, तो 225 × 7 हो गया, ये 225 × 7, 7, 5, 35, 14, 3, 17, 7, 14, 1, 15, 1575 आ गया, तो इनका जो लेस है वो आ जाएगा 1575। ठीक है, और अब क्या करना है, अंतर घटाना होगा, अंतर देखो, अंतर ये सेम ही मिलेगा भाई, यदि सेम नहीं मिलेगा तो फिर ये काम किए क्यों, फिर तो अलग अलग रिमाइंडर बचेंगे, तो कौन सा जोड़ोगे घटाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि कई को दिमाग में कि ये अलग बचेगा, अलग अलग नहीं बचेगा, यदि अलग तो ऊपर बच रहा था तभी तो अंतर लिया, अलग अलग बच रहा था तो प्रॉब्लम हो गई कि कौन सा जोड़े या घटाओ। तो सबसे पहले तो जो संख्या दे रखी है ना, जिनसे जिनका भाग दे रहे हैं उनका लेस लो और अंतर घटा दोगे, 8 घटाओगे तो 5, 3, 1500 कितना आ जाएगा, 67, 1567। और ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से करके देखो आप, यानी 15 का भाग देने पर बचना चाहिए 7 शेष, 25 का भाग देने पर 17, एक बार भाग दे के देखो, यहां पर 15 का भाग देखो, 15 × 15, 15 × 5, 75, 6 शेष बच रहा है, देखो 6 शेष, तो ये तो कैंसिल, ये ले रहा हूं, 15 × 15, 15 × 64, देखो 7 शेष बच रहा है, 25 का भाग देने पर 17 शेष, देखो 25 × 150, 6 शेष बचा, 67 में 25 में भाग दो तो 27 शेष बचेगा, ऑप्शन से करके देख लो, 35 का भाग दोगे ना तो 27 शेष बचेगा, 45 का भाग दे के देख लेना 37 शेष बचेगा, तो ये ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन चौथा ऑप्शन होता तो टाइम लग जाता है, तो क्या करना है एक बार फिर से देखो, लेस निकालना पड़ता है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ना उनमें लेस निकालो, जिनका भाग दे रहे उनका तो निकालो लेस है, फिर ये अंतर है वो घटा देना, और ये पीछे भी बता चुका हूं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कमेंट बॉक्स में यस या नो लिख दो। ठीक है, अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी है भाई, है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहा करो। चलो अगला, हाँ, एक कमरा 15 मीटर 17 सेमी लंबा है, ठीक है, और ये इनकी लेंथ दी हुई है, इतना तो लंबा है, 9 मीटर 2 सेमी चौड़ा है, तो छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल आएगी, पहले तो देखो इनकी लेंथ है भाई, ये यहां पर 17 सेमी क्या है, लंबा है, 15 मीटर 17 सेमी, 15 मीटर 17 सेमी को सेमी बदलो, 1 मीटर में कितना सेमी हो, बोलते जाओ जैसे ऑफलाइन क्लास में बोल रहे हो, बताओ, बोलो साथ साथ, 15 मीटर 17 सेमी का मतलब 1517 सेमी, ये आ जाएगा 1517 सेमी, 9 मीटर 2 सेमी, 9 मीटर 2 सेमी, 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं तो 902 सेमी आ जाएगा, कितना सेमी आ जाएगा, 902 सेमी आ जाएगा। अब ये देखो कि कमरे में वर्गाकार टाइल लगा रहे हैं लेकिन टाइल का माप नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या लेंगे, मैस है। अब कैसे पता चलेगा कि बड़ी यूनिट को छोटी छोटी बराबर यूनिट में बांट रहे हैं, बड़ी यूनिट को बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर रहे हैं समान यूनिट में, तो मैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, सपोज करो एक कमरा 15 बाई 20 का है, ऑब्जर्व करो
तो लैस है इनका तो ज्यादा हो जाएगा, टाइल का माप ले लिया, मान लो इनका लैस ले लिया आपने 60, तो बताओ कमरा 15x20 का है तो लैस 60 लिया तो टाइल का माप 60 थोड़ी हो सकता है। इनका टुकड़ा लो, इनका यानी बड़ा टुकड़ा क्या है 5, इनका मैस है 5, यानी 5x5 की टाइल आएगी ताकि कमरे में सेट हो जाएगी। देखो 15x20 का कमरा है तो आप 5x5 फुट की टाइल लोगे तो 1, 2, 3, 4 भाग सेट हो जाएगा ये। तो एक बार फिर से ध्यान रखना, बड़ी यूनिट की आप बराबर बराबर यूनिट बांट रहे हो तो ऐसी कंडीशन में निकालेंगे मैस है। जैसे बताओ फर्श में आप बराबर बराबर आकार की टाइल लगा रहे हो, फर्श से बड़ी टाइल नहीं हो सकती तो मैस निकला। एक खेत है उसमें आप बराबर बराबर आकार की क्यारी बना रहे हो तो क्यारी का आकार क्या होगा, मैस होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार 15 मीटर 17 सेमी का मतलब 1517 सेमी होगा, 9 मीटर 2 सेमी का मतलब 902। अब मैस निकालना दो विधि बताइए, एक तो भाग एक अंतर विधि। इनका अंतर लो, इनका अंतर आ गया 15 तो यह हो गया 9615, 15 तो यह हो गया 915। अब इनका टुकड़ा करो और आगे बड़े से बड़ा फैक्टर, यानी 5 एकम 5, 5 3 15 × 5, लेकिन देखो 123 का भाग नहीं जा रहा, 12×7 84 भाग दे के देख लेना तो फैक्टर और भी होगा इनका, 3 का भाग जा रहा 3×41। तो अब 123 का फैक्टर कर लिया तो इनका फैक्टर 41 भी हो सकता है, यानी इनमें 41 का भाग जाएगा या 5 का या 3 का, लेकिन बड़े से बड़ा फैक्टर लेंगे तो देखो 41 का भाग देके देखो 41×82 का भाग जा रहा है, इसमें भी भाग देख के देख लेना 41 का भाग जाएगा तो इनका मैस है वो कितना आ जाएगा 41। ये मैस मैं पीछे की वीडियो में बता भी चुका हूं तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी दे सकते हो। अब टाइल की संख्या के लिए क्या आएगा बताओ, कमरे का क्षेत्रफल यानी फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बट्टा टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल देखो 1517×902 और टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 41×41। ये क्षेत्रमिति में भी आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्टली बच्चे इनको गलत करते हैं। पहले तो बताओ 15 मीटर 17 सेमी का मतलब 1 मीटर में 100 सेमी, 1517 सेमी। फिर इनका मैस मैं अच्छे से बता चुका हूं, देखो सबसे पहले तो इनका अंतर लेते हैं, 715 तो भाग नहीं जाए तो इनका अंतर का फैक्टर करते हैं, 5 का भाग सीधा दिख रहा है 130, 130 का और फैक्टर हो रहा है 3×41, लेकिन बड़ा फैक्टर लेंगे 41, पूरी संभावना यही है 41 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें अभी देख लेना। तो टाइलों की संख्या के लिए फर्श के क्षेत्रफल में किन का भाग दे देंगे, टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो भाग कितनी बार जा रहा है बताओ, 41×82 22 बार जा रहा है। ठीक है, यहां पर भाग कितनी बार जा रहा है, 41×3 123, शेष कितना बच गया 123, 27, 1, 28, 41 का भाग 7 बार जा रहा है, देखो 7 बार तो 37×22, ये कितना हो जाएगा 37×22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 37×22 हो जाएगा, हाँ अब इनको गुणा करते हैं, 22×7 154, 22×3 66 और 15, 66 को 15 से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 814, तो टोटल ये संख्या कितनी आ जाएगी 814 आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, एक बार फिर से हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इनका। अगला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन, ये एक खुद करोगे भाई मैस का, जल्दी करो जब तक पानी पियो, इतनी देर में तो निपटा दो। कितना आएगा बताओ, जल्दी निकालो। जैसे वह है बड़ी से बड़ी, शुरुआत में बड़ी से बड़ी संख्या हो, अब क्या कह रहा है इनका भाग देने पर क्रम से कितना से बचेगा, 2, 3 और 4 से बचेगा। तो ध्यान दीजिए 89, 119, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या लो जिनका इनमें भाग देने पर शेष बच रहा है, कितना शेष बच रहा है 2। देखो यहां 2 शेष बच रहा है, इनमें कितना शेष बच रहा है 3 और इनमें 4। तो सबसे पहले घटाओ फिर उनका एलसीएम निकालो, तो ये 87,
ये 117 116 और ये आ जाएगा 174। इनका मैच से कितना आएगा, देखो 87 116 174 का मैच है, का मैच है यानी HCF। कैसे आएगा ध्यान दीजिए एक बार, सबसे पहले ये कह रहा है शुरुआत में ही दे दे कि ये बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, अब इनमें भाग दे, देखो इस नंबर में उस संख्या का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 3 4, तो ये रिमाइंडर घटा दिया करो, जो शेष संख्या बचे उनका मैसे निकाला करो, ठीक है। अब इनका मैसे कितना आएगा, पहले तो अंतर से क्या करो, सबसे पहले वो अंतर देखो जो एकदम कम हो, देखो यहां एकदम कम अंतर आ रहा है 16 और 13 29, इधर अंदर थोड़ा ज्यादा आएगा, तो इनसे अंतर से या अंतर के टुकड़ों से विभाज्य है, तो इनका टुकड़ा तो हो नहीं पा रहा, तो गुणती से विभाज्य होगा, गुणती 87 गुणती 4 116 गुणती 6 114। देखो सबसे पहले मैसा फास्ट निकालना है तो इनका अंतर ले लिया करो, देखो अंतर कितना है 29 है, अब 29 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताओ जा रहा है। एक भाग विधि, चलो भाग विधि बता देता हूं, जैसे ये शुरुआत की दो संख्या ले ली, बता चुका हूं फिर भी रिपीट कर रहा हूं, 87 एकम 87 शेष बच गया 29, बाजा को आगे रखोगे 87 से 29 87, तो अब शुरुआती दो का 29 आ गया, इन दो का 29, तो इनका 29 है तो इसमें तो भाग जाएगा, तभी तो मैसे है, इनमें और देखे देखो 29 6 174, ये इनका क्या होगा मैस है, तो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा 29। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से कर लिया करो, और ऐसे टाइप बार बार में आ रहे हैं भाई, एक बार तो मैं छोड़ रहा था कि चलो ये बच्चे कर ही लेते, लेकिन मैंने पेपर देखा प्रीवियस ईयर के 2021 के 2022 के, बहुत ज्यादा बार इस टाइप के क्वेश्चन है पूछे गए, लास्ट में मैं लेके आऊंगा एग्जाम के क्वेश्चन, जैसे शुरुआत में 2-3 लेके आया था ना, वैसे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, या आप भी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहा करो भाई, ठीक है। एक जुनून कम नहीं होना चाहिए भाई, कई वीडियो को 15-20 मिनट करके आज छोड़ देते हैं, यार थक गई पढ़ाई, कम से कम 2 घंटे की लगातार है ना सिटिंग करना चाहिए, और कईयों ने तो बाहर सुन लिया है कि 25-26 साल हो गए तैयारी के, 3-4 साल बाद पढ़ाई कम होने लग जाती है, एज हो गई, मुझे बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप करते हैं ऑफलाइन में कहते हैं सर जल्दी थक जाते हैं, अब तो 4-5 साल हो गए पढ़ाई करते हुए, है ना, अरे इतने बूढ़े नहीं हुए लोग, जो एजुकेटर हैं बड़े पुराने टीचर देखो आप, आज भी 4-4 5-5 घंटे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ये सब सोच का फर्क है। एक बात ध्यान रखना, उम्र कभी थका नहीं सकती, उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरे कभी गिरा नहीं सकती, यदि जिद हो जीतने की तो हार कभी हरा नहीं सकती। इनका आंसर कितना आ गया भाई, 29 आ गया, ऑप्शन से करो ना कितना इजी रहेगा, देखो 29 3 87 2 से बच रहा है, 29 116 3 से बच रहा है, 29 6 174 कितना से बच रहा है 4। अब एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, क्या पाड़ा याद नहीं, वो तो करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा टेबल 30 तक तो टेबल याद होनी चाहिए, देखो 20 तक तो बहुत अच्छे से होने चाहिए, उनको तो बार 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 रिपीट किया करो, कोशिश किया करो कि थोड़ा थोड़ा ये भी टेबल अच्छे से याद हो। अब बताओ 29 की टेबल याद होती तो ऑप्शन से तुरंत हो जाता, देखो 17 का भाग दो 17 5 85 4 से बच रहा है और शुरुआत में है 2, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 19 का भाग दो 19 6 76 13 से बचा जबकि वहां है 2, लेकिन 29 3 87 2 से बच रहा, तो यहां से पता चल रहा है। अब भाग के देखे देख लो, इसमें 4 से बचेगा, इसमें 3, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप करोगे, सब कुछ मैं ही बताऊंगा, चाहे टाइम लग जाओ, ये क्वेश्चन आपको ही करना है, मैं वेट कर रहा हूं। 3026 निकालो, 5053, ठीक है, इसमें तो रिमाइंडर बच रहा है 11, इसमें कितना बच रहा है 13, तो घटाओगे तो ये बच गया, थोड़ा नीचे सही लिख देता हूं, है ना, 5040 हो गया और ये हो गया 30 15, 3015 व 5040 का जो मैस है वो क्या आएगा, तो देखो कैसे आएगा, कैसे निकालोगे, अंतर से, इनका अंतर कितना आया भाई, देखो इनका मैस निकालना तो इनका अंतर लो ना, तो 20 25, अब 20 25 का तो भाग जा नहीं रहा, ठीक है, इससे बड़ा मैच कभी भी नहीं हो सकता, अंतर से बड़ा कभी भी मैच नहीं हो सकता, इनका फैक्टर करो, बड़ी से बड़ी 25 का भाग जा, देखो 25 8 225 25 25 का भाग दिया, तो इनका फैक्टर हो रहा है 81 25। अब इनका भाग मत दो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको कि 25 का भाग यहां कैसे जाएगा भाई, देखो 25 का भाग यहां तो जा ही नहीं सकता, अंत में 15, 25 का भाग कब जाएगा, विभाज्यता ध्यान होना चाहिए, अंत में 2 0 हो, 25 हो 50 हो 75 हो, वो 25 का भाग जाएगा, ठीक है, 81 का भाग इसमें नहीं जाएगा,
तो आप एक काम करो, इनका भी 9 × 9 दो टुकड़ा होता है, एक टुकड़ा यहां से लो 9, एक यहां से लो 5, यानी 45 विभाज्य। अब कैसे पता चला, देखो 9 की विभाज्यता नियम, अंकों का योग करो 5 × 1 = 6 + 3 = 9, अंकों का योग 9 है, योग 5 × 4 = 9, 9 की विभाजकता का नियम क्या है, अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा वो 9 से विभाज्य है। देखो ये एक दूसरे से अटैचमेंट है, और परफेक्ट कब बनोगे, जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करूंगा वहां विभाजकता के नियम बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो बहुत ईजी बनता जाएगा। यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, टाइम कैसे लगे पता ही नहीं चलेगा इनका भाग जा रहा या नहीं जा रहा, तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो कि अंत में 5 0 तो 5 से विभाज्य है, अंकों का योग 9 है तो 9 से विभाज्य, तो इनका मतलब ये किनसे 9 और 5 से विभाज्य है, वो किनसे विभाज्य है 45 से। आप इनमें भाग दे के देख लेना किनसे विभाज्य है 45 से। हाँ ऑप्शन से करोगे ना तो आप ऐसे क्या करो, देखो इनका भाग देने पर 11 और 13 से बचे हमें, तो अब ये चेक करना है 3015 का और 5040 का मैस है, तो अब 35 का भाग मत दो, 5 का तो जाएगा ही, 35 का टुकड़ा 7 का देके देखो, 7 का भाग जा रहा है 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 14, ठीक है 7 × 7 = 14, लेकिन यहां देखो 7 × 28 = 7 = 21, यहां 7 का भाग नहीं जा रहा तो 35 का नहीं जाएगा। 55 में देखो 11 × 5 है, 11 × 5 है, 5 का तो जा रहा, अब 11 का भाग देके देख लो, 11 का भाग देखो यहां अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणा, या देके देख लो, वैसे 11 × 44 = 64, 11 का भाग नहीं जाएगा तो 11 भी खारिज, और 37 का तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 45 से आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एक तो हम पर भरोसा रखो भाई, मैंने यहां एलसीएम एचसीएफ करवा दिया ना तो डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं, कई बच्चे क्या करते हो हर क्वेश्चन देखते छोड़ देते हैं, अरे भाई मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लूंगा या कहीं ईजी होम आराम से कर लूंगा, अरे नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था, हम ये क्वेश्चन का लेवल नहीं देख रहे, हम कंप्लीटली क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके पूरे में पूरे नंबर बने, वहां 25 जैसे 25 नंबर आए, 25 में 25 के सोचोगे तब जाके यदि 23 या 24 नंबर बनेंगे, यदि दिन बढ़िया होगा तो 25 में से 25 बन जाएंगे, बहुत सारे बच्चों के ऑफलाइन में से पूरे नंबर आते हैं, तो कोशिश ये करो कि पूरे से पूरे नंबर बने, लेकिन नोट्स बनाया करो भाई, एक तो वीडियो ऐसे करके मत छोड़ो, ऑनलाइन की सबसे बड़ी कमी है कि वीडियो देख के छोड़ देते हैं, नहीं वादा कर लो मैं दोबारा वीडियो देखूंगा नहीं, क्यों आगे 3-4 महीने बाद खूब एग्जाम आने वाले, वैकेंसी आने वाली है, तो बताओ एग्जाम के टाइम में नोट्स बनाओगे या वीडियो देख के या मॉक टेस्ट लगाओगे, तो एक बार सिलेबस अच्छे से कवर कर लो, साथ साथ नोट्स बनाया करो, एक मेरे साथ बोलते जाया करो भाई, लगनी चाहिए ऐसे ऑफलाइन क्लास है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आप करोगे, यहां प्रत्येक स्थिति में 2 से बचे, लगाओ जल्दी लगाओ, प्रत्येक स्थिति में कितना से बच रहा है 2 से बच रहा है, एक क्वेश्चन तो आपको करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिनका 113 187 और 409 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 200, कमेंट बॉक्स से भर जाना चाहिए भाई, जिनका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है अपना टाइम बढ़ा दो भाई, कंपटीशन से बहुत दूर है, एक तो मैं बता चुका हूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी निकालो, ये आपका टेस्ट है भाई, पता चल जाएगा हकीकत, रियल में पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे या आईपीएल देख रहे हो, जल्दी निकालो, मैं नहीं सोल्व करवाने वाला, अरे इतना धीरे आंसर, जल्दी निकलो, सही गलत कोशिश तो करो, कमेंट बॉक्स में आंसर दो भाई, वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। यह हालात है, कहो कि तो पाकिस्तान से भी बुरे हालात है, क्या होगा बताओ, रील देखोगे ना तो ये हाल होगा, और देखो अंजलि अरोड़ा है, कितना आसान क्वेश्चन, अब देखो 113, 187 और 409, अब प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बच रहा है 2 बच रहा है, यहां 2 शेष बच रहा है, यहां 2 शेष बच रहा है, यहां 2 घटाया 407, 185 और 111, 111, 185, 407 का मैस है। एग्जाम में बहुत फास्ट करना भाई, एग्जाम में तो एक ये गाथा मत लिखनी, दिमाग में घटा लो ना 2 2, 113 में 2 घटाया, ये आपने ये 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा खराब किया, ये एग्जाम में करने की मेथड नहीं है, बताओ कौन सी मेथड है, ये नोट्स बनाने की, नोट्स बनाने के लिए चीज लिखाई है, सीधा 2 2 घटाओ, अब इनका जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया 74 का, देखो कम वाला डिफरेंस देखा करो, मैं सब फास्ट निकालना अंतर विधि से, तो सबसे पहले उनका अंतर लो जिनका गैप कम है, देखो इधर साफ दिख रहा है गैप कम है इधर ज्यादा, अब या तो मैं से ये कन्फर्म, इस
ये कंफर्म है कि मैं से इनसे ज्यादा हो ही नहीं सकता, मैं से कभी भी अंतर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 74 का टुकड़ा होगा 37 इंटू दो और बड़ी संख्या मैं से, अब 37 का भाग देके देखो 37 × 111, देखो इतना तो आइडिया लग जाता है, 30 90 7 21 भाग 5 बार जा रहा है, यहां देखो 37 से कम 37 11 बार जा रहा है, तो इनका जो मैसे है वो कितना आ जाएगा 37। एक मैसे के लिए कौन सी विधि बता चुका हूं, भाग विधि, साइड में लिख देता हूं भाई, भाग विधि। शुरुआती दो मान लो 185 में 111 का भाग दिया, 111 का 111 74 बच गया, आगे रखोगे 111 को, बाजा को आगे रखते जाओ 74 37, देखो 74 में पूरा पूरा चला गया, तो इन दो का लिया था आपने तो 37 आया, तो इनमें तो भाग जाएगा, इसमें और देख के देख लो, तो भाग जाते ही क्या होगा इनका मैसे, भाग नहीं जाए तो भाग विधि में फिर इन दो का मैसे निकालो, फिर इन दो का मैसे निकालो, फिर उनका आपस में मैसे निकालो, लेकिन इतनी जूत नहीं पड़ती, अंतर से हो ही जाएगा। तो बेसिक छोड़ो और अंतर से बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहां प्रत्येक स्थिति में अंतर शेष बच रहा है, समान शेष बच रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिनका 123, 154, 216 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो समान शेष बचे तो अंतर का मैसे लेते हैं। अब यह नहीं कि जो मैं जो आंसर आएगा इनमें भाग जाएगा, इस क्वेश्चन को समझो भाई, कई ये सोचते हैं कि आंसर जो आएगा ना इनका भाग देके देखना पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिनका भाग देने पर इन तीनों में समान शेष बचेगा। समान का मतलब या तो सभी में 2 शेष बचेगा या सभी में 7 बचेगा, कुछ भी बच सकता है शेष, लेकिन जो बचेगा वो क्या बचेगा, समान शेष बचेगा, ठीक है। इनका डिफरेंस देखो कितने का है, 1 31 का, इनका डिफरेंस देखो ये हो गया 216 2 62, अंतर का मैस है 31 व 62 का मैस है। अब बताओ दोनों में किनका भाग जा रहा है, 31 का, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो 31 आ जाएगा। मेरी बात सुनना, जब ये वर्ड हो कि प्रत्येक स्थिति में समान से बचे तो हमेशा क्या लेंगे बताओ, अंतर का मैस लेंगे, लेकिन कई बच्चे ऑप्शन से चेक करते हैं कि 31 का भाग जा रहा है क्या, 31 3 93, 31 × 4 124 भाग जा ही नहीं रहा, तो 31 को गलत करते हैं। क्वेश्चन यह होता ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे तब तो इनका मैसे निकलता, ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इनमें भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच रहा है, यहां प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच रहा है तो क्या लेंगे, अंतर का मैसे लेंगे, तो 31 आ जाएगा, तो 31 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा इसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 31 का भाग दोगे ना तो हर बार समान शेष बचेगा, सभी में 2 बच सकता है या सभी में 10, जो भी शेष बचेगा वो तीनों में क्या बचेगा, बराबर। तो जब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे तो अंतर का मैसे लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनका मैसे क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन में गड़बड़ भी खूब करते हैं, खूब गलतियां करते हैं, जबकि बहुत आसान भी है। क्वेश्चन क्या है, 3³ की पावर 168 प्लस 1, ठीक है, और 3³ की पावर 674 प्लस 1, किनसे विभाज्य है, ठीक है, का मैसे क्या होगा, यानी किनसे विभाज्य है। तो आप एक ऑब्जर्व करो कि 3 की घात 1, ये तो ज्यादा घात है, बताओ इतनी बड़ी घात थोड़ी कोना कर पाओगे, पहले इनमें क्या होता है घातें के अकॉर्डिंग 3 को 674 बार करो, इतना बड़ा गुणा थोड़ी हो सकता है, तो कैसे करोगे, 3 की पावर 1 और 1 जोड़ा तो 2, समसंख्या आएगी, 3 की कितनी भी घात कर लो, 9 और 1 10, 3 की घात 3 27 और 1 28। अब ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि 3 की घात n में 1 जोड़ोगे तो समसंख्या आएगी, और समसंख्या 2 से विभाज्य है, समसंख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। देखो 3 की कितनी भी घात के लेना 1 जोड़ोगे तो समसंख्या आएगी, और समसंख्या 2 से हमेशा पूर्णतया विभाज्य है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अब 2 से विभाज्य तो यानी इनका मैसे 2 आ जाएगा, इनका जो मैसे है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है, 4 जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, आरोही क्रम में है, प्रथम 3 का गुणनफल 385 है,
और अंतिम तीन का गुणनफल कितना है? 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या एक तो ऑप्शन से कर सकते हो, या ऑप्शन तो बाद का काम है, कई बार क्वेश्चन को ऐसे बना बना देता है कि ऑप्शन से कितना भी प्रैक्टिस कर लेना, अभ्यास कर लेना, नहीं बैठेगा। सही, कितनी भी कोशिश कर लेना ऑप्शन से नहीं बैठेगा। जैसे कई बार क्या होता है, भिन्न होता है 5 और 7, जैसे नंबर सिस्टम में होता है, जैसे 5 बड़ा 7 उत्तर है, उन तो कर लेते हैं, लेकिन इनका योग पूछ लेता है 12, तो बहुत सारी संख्या का योग 12 होता है तो ऑप्शन नहीं बैठ पाता है। तो सबसे पहले इनका अंतर लो, अंतर कितना है देखो, 400 और 1000 का 600 तो वो गया 15 16, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 616। अब मैस 616 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, अंतर से कभी भी ज्यादा मैस नहीं हो सकता, इस बात का विषय ध्यान रखोगे, है ना। अब इनका टुकड़ा करोगे, बताओ किन का भाग जा रहा है, 4 का भाग देखते हैं, 4 कम 4 4 5 20, 4 16 154 × 4 और भी टुकड़ा होगा, 4 का भाग फिर जा रहा है इसमें, ठीक है, या 77 × 2, 77 × 2, 4 का भाग नहीं जा रहा है ना, 77 × 2 आ रहा है। अब इनका मैस क्या हो सकता है, सोचो कि इनमें 2 का भाग तो जा नहीं रहा, इन 77 का भाग पूरा पूरा जा रहा, आप देख के देख लेना, क्यों, 77 में 11 × 7, 11 का भाग जा रहा है, 11 3 33, 11 5 55, 7 5 35, 7 5 35, 77 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इनका जो मैस है तो 77 आ जाएगा। मैं से बता चुका हूं, देखो सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लिया, 616 का टुकड़ा गया 154 × 6000, लेकिन 154 का भाग कैसे जाएगा, सकल ही दिख रहा है, 154 का भाग जाएगा क्या, नहीं जा रहा है, तो 154 का फिर टुकड़ा करो, 77 × 2, तो 77 का इसमें दोनों में भाग जाए तो मैं से कितना आ जाएगा 77। अब देखो मैं से का मतलब ये दोनों में कॉमन है, जैसे 3 संख्या ले ली ए बी सी का मान 385 है ना, 77 इन दोनों में कॉमन, अब 3 संख्या ली तो एक तो 77 है, 77 तो मैं से यानी 2 संख्या आ गई, एक तीसरी 5, तो 385 हुआ कि नहीं हुआ, 385 में 77 का भाग देकर देखो एक संख्या क्या बचेगी, 5, ठीक है, इनको ऐसे लिख देता हूं, 5 77 को लिख देता हूं, 7 × 11, देखो ये कॉमन है दोनों में, कॉमन है भाई, 7 × 11 कॉमन है। अब 77 का भाग इसमें दोगे तो भाग कितनी बार जा रहा, 13 बार, तो एक संख्या हो गया 13, 1001, तो प्रथम संख्या पूछी है तो वो कितनी आ जाएगी 5, लेकिन ये ऑप्शन से हो जाएगा या आइडिया से। अब कई कहेंगे इनका मैस लेंगे इतना बड़ा, इससे अच्छा तो मैं आइडिया से कर लूं, अरे हर बार लॉजिक नहीं बैठता, जैसे ये तो अंदाज से भी बैठ जाता है, आप आइडिया भी लोगे, लॉजिक भी लगाओगे कि 4 संख्या अभाज्य, लेकिन छोटी संख्या में इस प्रकार जो क्वेश्चन आता है ना, मोस्टली बार जोगाड़ बैठ जाता है, लेकिन हर बार नहीं बैठेगा। अब एक बार समझना कि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 ली, तो 4 अभाज्य संख्या उसमें प्रथम 3 का और आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में है भाई, प्रथम 3 का गुणा, तो 1 लेते हैं, 3 5 7 ली तो 5 3 15 7 105 ही हुआ, जबकि 385 होना चाहिए, फिर अगली 5 ली, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 फिर 11, तो इनका 35 × 11 का गुणनफल कितना होगा, 5 3 8, 385, फिर अगली लो 7 11 13 7 91 × 11, 1 9 1 10 कितना आ गया 1000, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5 आ जाएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और पीछे का साथ साथ रिवाइज भी करते जाया करो, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया वो लाइक जरूर करें।